मैं सप्लाई इंस्पेक्टर भेलूपुर सिमी जायसवाल बोल रही हूँ। आज हम लोग औचक जांच में निकले थे, मतलब गैस रिफिलिंग की बहुत शिकायतें आ रही थी। मैं और मेरे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर जैतपुरा भी थी, हेमलता। तो यहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ रिफिलिंग हो रहा है। हम लोग सुंदरपुर सब्जी मंडी के पीछे आए, यहाँ पे जो एक दुकान में पंकज नामक व्यक्ति द्वारा रिफिलिंग किया जा रहा था, वहाँ उनके दुकान में 3 बड़े घरेलू सिलेंडर और 4 पेट्रोमैक्स, जिसमें रिफिलिंग किए जाते समय हम लोगों ने पकड़ा डायरेक्ट, मतलब वो कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से पकड़ने के बाद बगल में ही उसी परिसर से लगा एक पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग था, वहाँ एक रूम में लगभग 26 बड़े सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर और 10-11 पेट्रोमैक्स उपलब्ध हुआ। कमर्शियल कोई भी नहीं? कमर्शियल नहीं, सारे घरेलू सिलेंडर ही है। मैम किस किस कंपनी के हैं? इंडेन का है और HP का है। इनको सिलेंडर इतना लाके देता कौन था? अभी इनके द्वारा मैं पूछा गया है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कुछ साहब की कहाँ से मिलता है मुझे। अभी जो अभियुक्त पंकज पकड़ा है वो कहाँ पर? वो अपनी दुकान में रिफिलिंग कर रहे थे। अच्छा, तो आपने मौके पकड़ा, अभी पुलिस लेके गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तो यहाँ पे कार्रवाई, मतलब वो लेके नहीं गई है, वो यहीं पे है, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो भी अपना असाइनमेंट करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही रिफिलिंग की वजह से घटना हुई थी। हाँ, क्या ये चेकिंग अभियान कब तक चलेगा? ये तो हमेशा चलता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले भी हमने नगवा में 2-3 FIR कराया था रिफिलिंग के संबंध में, तो हमेशा चलता रहता है। रिफिलिंग में अक्सर देखा जाता है कि अभियुक्त पकड़ा जाता है लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, और इससे अभी आप तो देखी होंगी कि वो कोयला बाजार में भी एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें 2 लोग जख्मी भी हुए, इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम लोग अपने स्तर से देखिए FIR तो करा देते हैं, अब कैसे वो क्या करते हैं तो नहीं बता पाएंगे, तो